हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ डार्विन। डार्विन जब अपने जर्नी पे थे तो गए थे एक आइसलैंड जिसका नाम आइलैंड गए थे जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। इसको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर ही ऑब्जर्वड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर। वहाँ पर उनको बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखी प्रकृति के द्वारा। पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन फिंचेस। छोटी छोटी कुछ ब्लैक कलर की चिड़िया थी जिसका नाम बहुत आगे चल के थोड़ा सा प्रचलित हुआ, जिनको डार्विन की फिंचेस के नाम से जाना गया, डार्विन फिंचेस। ही रिलीज दैट देयर वेर मैनी ये रही कुछ फिंचर्स जिनका फिगर है। देयर बिन मैनी वराइटीज ऑफ फिंचर्स इन द सेम आइलैंड। ऑल द वराइटीज ही कंस्ट्रक्टेड इवॉल्व टू द आइलैंड इट्सेल्फ। और ये उसी एक ही आइलैंड पर ये सारी वराइटीज़ बनी हुई थी, मिली हुई थी फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स। और वो जो शुरुआत हुई थी वराइटीज़ की वो ओरिजिनल थी सीड ईटर, उनका जो बीक था वो सीड ईटर सीड खाने लायक जैसा था। मैनी अदर फॉर्म्स सीड ईटर के जो बीक्स होते हैं छोटे होते हैं और हॉर्नी होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अदर फॉर्म्स विच अल्टर्ड बीक एरोज। और कई अदर्स फॉर्म में जो है ये एरोज हुए थे, डेवलप हुए थे कई अदर काम लाए, जैसे इनेबलिंग देम बिकम अ इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में वेजिटेरियन फिंचेस जो वहाँ पर कैक्टस प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर के छेद करके उनके पल्प को खा सके और उन इंसेक्ट्स से भी बचे रहें। दिस प्रोसेस इज एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लेटली रेडिएशन ऑफ अदर एरियाज जियोग्राफी इज कॉल्ड द एडाप्टिव रेडिएशन। ये डेफिनेशन है एडाप्टिव रेडिएशन की। एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा पहले जान लीजिए। एडाप्टिव मतलब होता है किसी भी इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करना, और रेडिएशन मतलब यहाँ पर रेडिएशन से नहीं है, यहाँ मतलब है कई दिशाओं में। जब एडाप्टेशन जो है एक दिशा में ना होकर कई दिशा में हो उसी को एडाप्टिव रेडिएशन कहा गया। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। एक जो प्रोसेस था अलग स्पीसीज कई तरह की स्पीसीज बन रही थी इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, और भी एक ही एरिया पे, एक ही जियोग्राफिकल रीजन पे। जो आइलैंड था थोड़ा अलग अलग था, तो अलग अलग आइलैंड पर जो है कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन चिड़िया छोटी थी तो जो है उड़कर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर नहीं जा सकती थी। उसी आइलैंड के कई पार्ट थे, गैलापागोस आइलैंड के कई पार्ट थे, तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे वो नहीं जा सकती थी। पंख छोटे जिनके होते हैं बहुत दूर तक वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लेटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड द एडाप्टिव रेडिएशन। तो जब एक ही से स्टार्ट होती हैं और कई दिशाओं में जाती हैं, कई दिशाओं में उनका एवोल्यूशन होता है, कई दिशा में कई प्रकार की स्पीसीज बनती हैं, तो उनको हम एडाप्टिव रेडिएशन जानते हैं। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फेनोमेना। ये एडाप्टिव रेडिएशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है डार्विन फिंचेस। अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। और दूसरा जो एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया पर, जो ऑस्ट्रेलिया रीजन है उसमें जो मार्सुपियल हैं, अ नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। उसमें बहुत सारे मार्सुपियल जो है एक से ही बने हुए हैं, एक ही किसी कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारे मार्सुपियल बने हुए हैं। इवॉल्व फ्रॉम अ एंसेस्टर स्टॉक बट ऑल द विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड कॉन्टिनेंट्स। लेकिन जो सभी जितने भी हैं सब ऑस्ट्रेलियन आइलैंड पर ही हैं, किसी दूसरे पर नहीं है, सब ऑस्ट्रेलिया में ही प्रेजेंट हैं। व्हेन मोर देन वन एडॉप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन अ आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया। जब एक से ज़्यादा एडाप्टिव रेडिएशन हो एक ही जियोग्राफिकल एरिया पर, ये देखिए फिगर है मार्सुपियल रेडिएशन, इसका जो तीर दिखाई गई है, एरो दिखाई गई है अलग अलग मेंबर्स के लिए, वो ये शो कर रहा है कि इनका एंसेस्टर कोई कॉमन था। सभी मार्सुपियल हैं, और मार्सुपियल जो है कई दिशा में जो है इनका डेवलपमेंट हो गया, तो इस प्रकार से कई सारे ये बन सके। तो पीछे क्या था, एक ही जब जियोग्राफिकल एरिया पे का डेवलपमेंट कई डिफरेंट दिशा में हो, डिफरेंट हैबिटेट, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, जब अलग अलग
हैबिटेट से आए और एक ही हैबिटेट पे रहने लगे, तो उनके जो फीचर्स होते हैं कॉमनली एक जैसे डेवलप हो जाते हैं, उनको हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ मार्सुपियल हैं और प्लासेंटल मैमल्स हैं। ये दोनों का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि मार्सुपियल और प्लासेंटल मैमल दिखने में एक जैसे हैं। आप देखिए इतने सारे फिगर्स हैं इसमें, ये राइट हैंड साइड मार्सुपियल है, लेफ्ट हैंड साइड प्लासेंटल मैमल्स हैं, लेकिन सभी जो है एक जैसे दिखते हैं। फ्लाइंग स्क्वायरल है, उड़ने वाली गिलहरी, ये भी फ्लाइंग स्क्वायरल है, जबकि वो मार्सुपियल है और दूसरी वाली प्लेसेंटल मैमल्स है। बॉब कैट है, तस्मेनियन टाइगर कैट है, वाल्फ है और ये तस्मेनियन वाल्फ है। ये सभी जो है दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन एक मार्सुपियल है और दूसरा जो है प्लेसेंटल मैमल्स है। आगे क्या है, प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडाप्टिव रेडिएशन। प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ये भी एडाप्टिव रेडिएशन कई दिशा में डेवलपमेंट इनका हुआ है। एवोल्यूशन इनटू वेरी इन सच प्लेसेंटल मैमल्स, ईच ऑफ द विच अपीयर्स टू बी सिमिलर टू अ करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल, और सभी जो है इतने फॉर्म में बने हुए हैं कि एक दूसरे मार्सुपियल से मिलते जुलते हैं। प्लेसेंटल वाल्फ एंड तस्मेनियन वाल्फ मार्सुपियल, प्लेसेंटल वाल्फ और तस्मेनियन वाल्फ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि अगर पूछा जाए कि किस इवोल्यूशन के द्वारा बने हुए हैं तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के द्वारा बने हुए हैं। अगला टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ विथ डिफरेंस इन द मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेट ऑन द अर्थ। कहने की जो इवोल्यूशन है ये नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हुआ है, और ये तभी शुरू हो गया था जब लाइफ सेलुलर सेल के एक सेल के रूप में बनी थी। पहले तो केमिकल बनी थी, केमिकल से फिर सेल बनी थी, तभी से इसमें जो है नेचर सिलेक्शन शुरू हो गया था। द एसेंस ऑफ डार्विन्स थियरी अबाउट इवोल्यूशंस इज नेचर सिलेक्शन। अगर हम डार्विन की पूरी थियरी को देखें तो इसका जो सार है, जो सारांश है, वो हमें सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन मिलता है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक टू द लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ स्पैन। दूसरा हम लोग देखते हैं जो नए इंडिविजुअल बनते हैं, जो नए स्पीसीज ओरिजिनेट होते हैं, ये काफ़ी रिलेशन है कि उनका लाइफ स्पैन कितना बड़ा है। अगर लाइफ स्पैन काफ़ी बड़ा होगा तो उसमें जो चेंजेज आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, फिर एक्युमुलेट होकर अगली जनरेशन में जाते हैं, फिर कुछ वेरिएशन आते हैं, फिर उसमें जुड़ जाते हैं, फिर अगली जनरेशन में जाते हैं। इस तरह कई जनरेशन के बाद जो है नई स्पीसीज मिल पाती है। लेकिन अगर उनका लाइफ स्पैन ही बहुत बड़ा है, मान लेते कोई एनिमल है 100 साल जीता है, फिर अगले 100 साल, तो पता लगेगा 100 100 100 100 करके लगभग 200 बार बीतेगा, कई साल हो जाएंगे, 2000 साल, तब जाके कोई दिखने लायक अंतर होगा और नई स्पीसीज बनने जैसा कुछ माहौल बन पाएगा। लेकिन अगर उसका लाइफ स्पैन ही बहुत छोटा हो, कुछ मिनट का हो, कुछ सेकंड का हो, तो कुछ ही घंटों में नई स्पीसीज बन सकती है। तो हम लोग एग्जाम्पल लें माइक्रोब्स का, दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर। हम माइक्रोब्स का एग्जाम्पल लेते हैं जो एक घंटे में मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल बन सकते हैं किसी एक सेल के लिए, सेल को लेके, जो बहुत फास्ट डिवाइड करता है। अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एक कोई कॉलोनी है बैक्टीरिया की, इसको हम ए कह रहे हैं, ग्रोइंग इन अ गिवन मीडियम, और हमने एक मीडियम रखा जिसमें ग्रो हो रही है, हैज़ बिल्ट इन द वेरिएशन इन द टर्म ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज फीड कंपोनेंट्स, और उसके पास ऐसी हैव इन टर्म टू एबिलिटी, उसके पास ऐसी योग्यता है कि उस फूड कंपोनेंट को यूज कर पा रही है। अ चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन, बाद में क्या करते हैं उसकी मीडियम में कुछ चेंजिंग कर देते हैं, क्या करते हैं, बैक्टीरिया है उसमें एंटीबायोटिक्स मिला लेते हैं। वुड ब्रिंग्स आउट ओनली दैट पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशंस, इसमें क्या दिख रहा है कि उसमें कुछ ही सिर्फ बचे, बाकी ख़त्म हो गए, और जो बचे उनको हमने बोले बी, तो इसमें कह रहा है कि वुड ब्रिंग्स आउट ऑफ ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उनमें से कुछ पार्ट बचा जिसको हम लोग बी कह रहे हैं, दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन, और जो नए कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहा है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरियंट पॉपुलेशन आउट ग्रो द अदर
अपीयर्स एज अ न्यू स्पीसीज, और उसको जब हमने कई बार ग्रो कराया तो हमें एक नई स्पीसीज बन गई, क्योंकि इतना ज़्यादा वेरिएशंस आ गए उसमें। उसने एंटीबायोटिक को भी सह लिया और धीरे धीरे वेरिएशंस आ गए, काफ़ी वेरिएशंस आ गए। तो जो पहली वाली स्पीसीज लिया था मैंने, अब ये जो अभी हमको मिली बी वाली को बहुत ज़्यादा ग्रो करने के बाद, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, तो हमें एक नई स्पीसीज मिल गई। दिस वुड हैपन विद इन अ डे, और ये कितने कुछ दिनों में हो गया। फॉर द सेम थिंग्स टू हैपन इन द फिश फॉल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर, अगर यही चीज़ हम फिश के लिए करें तो हमें मिलियंस साल लग जाएंगे। स्पैन ऑफ दीज एनिमल्स आर इन ईयर, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, स्पैन ऑफ दीज एनिमल लाइफ स्पैन कुछ ऐसे भी होते हैं, क्योंकि इनका साल होता है, कई साल तक होता है इनका लाइफ स्पैन। हेयर बी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज़ बेटर, अब हम बैक्टीरिया के केस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि जो फिटनेस है बी का वो ए से ज़्यादा बेटर है, अंडर एनी कंडीशन, नई कंडीशन के लिए। नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस वन मोस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक विच इनहेरिटेड, नेचर सेलेक्ट करती है फिटनेस को, जो फिट है उसी को सर्वाइव करेगी। वन मोस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज द बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक विच इज इनहेरिटेड, और फिटनेस वो फिटनेस जिसको इनहेरिटेड किया जा रहा है, विच आर इनहेरिटेड। वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड, और ऐसी फिटनेस जिसको इनहेरिटेड किया जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजा जा सके। हेंस दे मोस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड इवाल्व, ये एक किसी एनिमल को इवाल्व करने के लिए एक जेनेटिक बेस है। अनदर वे टू सेइंग द सेम थिंग्स, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें, सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडॉप्टेड सर्वाइव इन अ अदरवाइज हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सर्वाइव करते हैं एक हार्श हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, मतलब बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में। अडॉप्टिव एबिलिटी इज़ द इनहेरिटेड, अडॉप्टिव जो एबिलिटी होती है, जो अडॉप्ट करने की क्षमता होती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिटेड होती है, जाती है। इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस, और ये उनके जो अडॉप्टेशन की क्षमता है उनके जीन के बेस पर होती है, उनके जीन में होती है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट द गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, जो फिटनेस है ये नेचर के द्वारा सेलेक्ट करने के बाद रिजल्ट है। अगर कोई फिट है आज तो नेचर ने उसको सेलेक्ट किया और उसी का रिजल्ट है कि आज वो फिट है और प्रेजेंट है, क्योंकि जो फिट नहीं है वो तो गए, बी वाली बैक्टीरिया ख़त्म हो गई। मिस अगर आज कोई दिख रहा है फिट है तो उसको नेचर ने सेलेक्ट कर चुका है, कर लिया है, और उसका रिजल्ट है कि वो फिट है और प्रेजेंट है आज। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचर सेलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब होता है कोई एक ऐसी ट्री जैसा स्ट्रक्चर बना देना जिसमें नीचे कोई एक एनिमल हो, फिर उसमें एक ब्रांच निकली हो, ये दूसरा एनिमल, फिर उसमें एक ब्रांच निकली हो, और पेड़ आगे भी बढ़ता जा रहा हो स्वयं, मेन एक्सिस उसका, और उसमें ब्रांच भी निकलती जा रही हो, तो ऐसा अगर कोई फिगर दिखाया जाता है तो उसको ब्रांचिंग डिसेंट बोला जाता है। नेचर सेलेक्शन जानते ही हैं आप, जब कोई चैलेंजेज आता है और उसको ऑर्गेनिज्म पार करता है उस चैलेंज को, तो उसको नेचर सिलेक्शन बोलते हैं, पार कर ले जाए और बच जाए उस और सर्वाइव करे अच्छे से अडॉप्ट करके। आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी, डार्विन थ्योरी के दो की कॉन्सेप्ट थे, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचर सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवन बिफोर डार्विन, फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क हैड सेड दैट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अकर्ड बट ड्राइव बाय यूज एंड डिसयूज, इनके थोड़ा पहले एक और साइंटिस्ट नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम लैमार्क है, इसको काफ़ी आपने सुना होगा क्लास 9th में। वो कहते थे कि अंगों का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो उसका विकास होगा, और प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसका विकास नहीं होगा। ही गेव अ एग्जाम्पल ऑफ जिराफ, उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जिराफ को उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उसके जो अगले पैर हैं, फोर लेग और नेक, वो जब जिस एनवायरनमेंट में रह रहा था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रासेस सूख गई, फिर उसको ऊँची ऊँची पेड़ की पत्तियाँ खानी थी। अगला पैर और गर्दन को उचकाता था, ऊपर उठाता था, और धीरे धीरे उसकी पूरे लाइफ में थोड़ा सा गर्दन लंबी हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रयोग किया उस अंग का। फिर आगे जो है ये करेक्टर आगे इनहेरिटेड हो गया,
अगले उसके अगली प्रोजनी में, और ऐसे धीरे धीरे कई जनरेशन के बाद जो है जो हमें जिराफ दिखते हैं उनकी लंबन गर्दन लंबी हैं और अगले पैर जो हैं फॉरलिम उनके काफ़ी लंबे हैं, उसी का नतीजा है। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ जिराफ हु इन ए अटेम्प्ट टू फॉरेज लीव ऑन टाल ट्री हैड टू एडॉप्ट बाई इलोंगेशन ऑफ द नेक, जो बात अभी बताई गई, एज दे पास्ट ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग जनरेशन, अगली जनरेशन में इस कैरेक्टर को पास करते रहे, उनकी नेक लंबी हो गई थी, अगला पैर लंबे हो गया था। जिराफ स्लोली ओवर अ ईयर, कई सालों के बाद जिराफ बन गया। कम ए एक्वायर्ड लॉन्ग नेक, जिसकी नेक गर्दन लंबी थी। नो बॉडी बिलीव दिस कंजक्टर एनी मोर, लेकिन किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। एज इवोल्यूशन अ प्रोसेस आर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है, इस पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो हम जब से लाइफ बनी है आवाज़ तक जैसे जैसे बदलती गई, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि इवोल्यूशन जो है एक प्रोसेस है। लेकिन जितनी लाइफ हमें दिखती है, मीन्स अगर कोई एक स्पीसीज है, अगर कोई एक स्पीसीज है उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ दिखती हैं, इतनी वैरायटी कैसे बनी, तो हम ये कह पाते हैं कि जो है इस प्रोसेस का एक रिज़ल्ट है कि इतनी सारी वैरायटीज़ बन सकी हैं। तो एक पूरा क्लियर डिवीज़न नहीं हो पाता है, क्लियर कट कह नहीं पाते हैं कि ये प्रोसेस ही है या फिर प्रोसेस का रिज़ल्ट है। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, द वर्ड बी सीन इन एनिमेट एंड एनिमेट, जो वर्ड हम देखते हैं, फिर वो चाहे इन एनिमेट मीन्स नॉन लिविंग, एनिमेट लिविंग, जो वर्ड हम देखते हैं फिर चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इज़ ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, ये जो है इवोल्यूशन के सफल कहानी को बताते हैं। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी दिस वर्ड वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज प्रोसेस, जब हम ये वर्ड कैसे बना एकदम पीछे से लेके यूनिसेलुलर से आज तक बताते हैं कहानी को, तो हमें लगता है इवोल्यूशन एक प्रोसेस है। ऑन अदर हैंड व्हेन द डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और इस अर्थ पर लाइफ कैसे बनी, वी ट्रीट इवोल्यूशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, तो हम कह पाते हैं कि नेचर सिलेक्शन के द्वारा इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा नेचर ने सेलेक्ट किया और ये इतनी सारी लाइफ्स दिख पाती हैं। नेचर सिलेक्शन के द्वारा इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसमें नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये लाइफ जो है इवॉल्व हुई हैं। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं हो पाते हैं वो वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचर सिलेक्शन कि ये इवोल्यूशंस के द्वारा हुए हैं या फिर नेचर सिलेक्शन, ये इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज प्रोसेस आर ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, हम बता नहीं पाते हैं कि इवोल्यूशन और नेचर सिलेक्शन जो है एक प्रोसेस है या फिर रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। इट इज़ पॉसिबल दैट द बी वर्क थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन, थॉमस माल्थस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ वर्क किया था जिससे डार्विन बहुत प्रभावित हुए। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल, नेचुरल सिलेक्शन के बेस पर उन्होंने कुछ बहुत देखा था बहुत अच्छा जो बहुत फैक्चुअल था, बहुत ही सही था। पर जमा नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, नेचर में जो रिसोर्सेज हैं किसी भी एनिमल के लिए जैसे फूड है शेल्टर है बहुत लिमिट में है। पॉपुलेशन आर स्टेबलाइज इन अ साइज एक्सेप्ट एक्सपोनेंशियल फ्लक्चुएशन, और जो पॉपुलेशन ग्रो होती है बहुत तेज़ी से ग्रो होती है, एक्सपोनेंशियल फ्रॉम इन फ्लक्चुएशन मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन करेक्टरिस्टिक्स इवन दो दे लुक्स सुपरफिशली सिमिलर, ये जो मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन हैं ये एक्सपोनेंटली ग्रो करते हैं, जैसे टू की पावर टू इस प्रकार से ग्रो करते जाते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। वेरी इन करेक्टरिस्टिक्स इन फैक्ट द टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक इवन दो दे लुक सुपरफिशली सिमिलर, वेरी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, जो एनिमल्स हैं उनके करेक्टरिस्टिक जो है वेरी करते हैं जबकि वो ऊपर से सेम ही दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिटेडिटी, और बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो इस प्रकार से इनहेरिटेड होते हैं अगले जनरेशन में। दे फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंटली इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, दिस फैक्ट कैन बी सीन इन द ग्रोइंग बैक्टीरिया पॉपुलेशन, ये कहना चाह रहे हैं कि जो
पॉपुलेशन है ये तो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। उदाहरण ले लेते हैं, एक मान लीजिए कोई एक प्लांट है, आम का प्लांट है, और उसमें कई हज़ार सीड लगे हैं, तो उसमें कई हज़ार सीड जब पक्के गिरेंगे तो उतने सारे प्लांट्स उग जाने चाहिए, लेकिन उनमें सब नहीं उग पाते हैं क्योंकि कंपटीशन है नीचे गिर पाए कि नहीं, कि अभी एक सीड किसी सीड के ऊपर ही पड़े हैं और उनको सनलाइट मिल पा रही कि नहीं, उनकी जो रूट निकली अंदर तक पहुंची कि नहीं। तो हर जगह पे कंपटीशन है, फूड के लिए कंपटीशन, सनलाइट के लिए कंपटीशन है, शेल्टर के लिए कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन में सब नहीं ग्रो कर पाते हैं। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन द ग्रोइंग बैक्टीरिया पॉपुलेशन, या फिर बैक्टीरिया के बेस में हम लोग देख लेते हैं। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज रियलिटी आर लिमिटेड, लेकिन अगर हम सही में देखें तो हज़ारों सीड लगे थे प्लांट में, आम के प्लांट में हज़ारों सीड लगे थे, लेकिन हज़ार पेड़ नहीं उगे। तो क्या है, हम अगर देखते हैं तो सबकी एक लिमिट में दिखती है, सबकी पॉपुलेशन एक लिमिट में दिखती है। मीन्स दैट जबकि होना क्या चाहिए था, अगर ऐसे 5 साल लगातार आम का फल लग जाए तो फिर आम ही आम दिखे और कुछ दिखे ही ना। मीन्स दैट देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या है कि यहाँ रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है। ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रीव एट द कॉस्ट ऑफ अदर दैट कुड नॉट फ्लोरिश, तो वही सर्वाइव कर पाता है जो ज़्यादा फिट है कंपेरिजन टू दूसरे से। द नोबली एंड ब्रिलियंट इन साइट ऑफ डार्विन्स वाज दिस, ये जो विचार था ये नया था और काफ़ी बौद्धिक था, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट था। इन साइट ऑफ डार्विन्स वाज दिस, जिसको डार्विन ने देखा, ही एसर्टेड दैट वेरिएशन, और उन्होंने उसको एक नाम दिया है वेरिएशन, उस फिट होने को नाम दिया वेरिएशन, विच आर इनहेरिटेड एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर, और उन्होंने कहा कि जिसमें वेरिएशन है वो उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर रहा है, बेटर कर रहा है। फॉर फ्यू एडॉप्टेशन आर हैबिटेट बेटर, एडॉप्टेशन ऐसे कर रहा है हैबिटेट को अच्छे से, तो उस हैबिटेट में अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है। विल एनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी, और वही सिर्फ वही जिसमें वेरिएशन है और अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं रिसोर्सेज के, वो इनेबल योग्य हैं रिप्रोडक्शन के, और बहुत सारे अपने पीछे बहुत सारे प्रोजनी को छोड़ जाते हैं। हेंस फॉर पीरियड ऑफ टाइम, उस समय के बाद ओवर मेनी जनरेशन, कई जनरेशन के बाद सर्वाइव्स विल लीव मोर प्रोजनी, उनके बहुत सारे प्रोजनी बनते हैं। एंड देयर वुड बी अ चेंज इन पॉपुलेशन, और इस प्रकार से पॉपुलेशन में एक चेंजिंग आ जाती है, करेक्टरिस्टिक्स इन हिंस न्यू फॉर्म अपीयर टू अराइज, और इस प्रकार से एक नई पॉपुलेशन का अराइज होता है, नई पॉपुलेशन बन पाती है। ओके, थैंक्स फ्रेंड।